आज हम बनाएंगे हमारा रायपुर वाला कुकर बिरयानी। बहुत फेमस है हमारा रायपुर वाला कुकर बिरयानी। इसके लिए 1.5 किलो चिकन ले या लेयर चिकन में बना रहे, कोई ब्रॉयलर चिकन भी ज़्यादा बनते हैं, हमें लेयर चिकन में बना के दिखा रहे आप लोग को। उसके लिए अदरक लहसुन भरपूर लगेगा, और क्या बोलते हैं बाजार में ना गरम मसाला, ये बाजार का यूज करते, तो इसलिए हम बाजार का यूज करेंगे। एक कटोरी ना ये दही कितने होंगे, 200 ग्राम दही है, 200 से ज़्यादा हो ये। और ये 3 प्याज को लंबा काट लिया, बड़ा प्याज। और ये ना ये चावल ना ये अब्बा बुजुर्ग बोल के चावल मिलता है, वो चावल में ज़्यादा अच्छा बनता है, नहीं तो और एक तेल और घी, घी मिला के लिया, 3 चम्मच घी डाले और 1 कटोरी में तेल में मिला लिए। घर का बना रहे ना तो बाजार में तो घी नहीं डालते। और एक छोटा मटर काट लिया, और इसमें 10-12 हरी मिर्च ले लिया, और इसमें है बाजार में डालते हैं ये अजीनोमोटो, ये भी डाल रहे, एक नींबू, और ये मटन चिकन मसाला, ये गरम मसाला बाजार का, और इसमें ज़्यादा मसाला नहीं, खड़ा मसाला, 2 बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च और जीरा आधा चम्मच, और इसमें ये मसाला 2 चम्मच धनिया, 1-1 चम्मच हल्दी मिर्ची और नमक आपका स्वाद अनुसार, और थोड़ा सा फूड कलर लगेंगे, और ये केवड़ा पानी लगेंगे, और इसमें पुदीना धनिया। आपको दिखाते चावल, हाँ चावल के लिए दिखाते, चावल में नमक लगेंगे, और जो गरम मसाला आपके खड़ा गरम मसाला है ये सब, यही लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, दालचीनी, जीरा, आपके घर में जो भी खड़ा, तेज पत्ता और हरी मिर्च और 1 नींबू, बस। ये देखिए खड़ा गरम मसाला को डाल देंगे, और ये पूरा मसाला को डाल देंगे, टमाटर को भी डाल देंगे, प्याज को भी, दही को भी, हाँ सब, अदरक लहसुन पेस्ट इसमें ज़्यादा रहता है, 1, 2, 3, 4 मतलब 6 चम्मच से ज़्यादा डाल दिए। और ये चिकन मसाला 5 रुपये वाला, अब इतने बिरयानी में इतने ही लगेंगे, बता रहे आपको मेजरमेंट। हाँ ये गरम मसाला है, ये गरम मसाला थोड़ा सा रख दे रहे, बाद में चिकन में डालेंगे, ये मसाला भी रख देना था, चिकन मसाला भूल गए, थोड़ा सा उसमें है तो डाल दूँगी बाद में। और ये देखिए तेल, बस इतना ही डालेंगे, फिर दिखाते क्या करना है। हाँ ये देखिए थोड़ा सा मेरे पास पुदीना है, कड़ी पत्ता है, तो उसमें डाले थे, दाल भी बनाया इसके लिए, दाल और उसका वीडियो बनाया आप लोगों को भी, दाल और किस चीज़ का बाबू उसका बोल रहता, हाँ दाल और रहता, एक साथ वीडियो बनाया, देखना मेरा रायता दाल, दाल दिखाओ बाबू, दाल को दिखाओ, ये देखिए हाँ, ये ना बारीक सी चॉप कर लोगे, एकदम बारीक सी, ये हरी मिर्च अजीनोमोटो साइड में चला गया था, दिख नहीं रहा था, इसको भी डाल दोगे, डाल के हाथ से ना अच्छे से इसको मिलाओगे, पांच मिनट मिला लोगे इसको, ऐसे टाइप का चीज भी हाथ से मिलाने वाले है, आपको दिखाएंगे क्या क्या बनता है इसमें। हाइजीन वाइजीन का बात मत करना, बड़े आप ऐसे ही हुए हैं अपनी माँ के हाथ का खाना खाके, कुछ चीजें हाथ से ही मिलानी चाहिए। नहीं नहीं ये हाथ से मिला हुआ भी बहुत सारी रेसिपी होता है, मैं दिखाऊंगी, इनको घर में बनाते रहते हैं, इसके लिए दाल बनता है और भी क्या क्या बनता है। इसको हाथ से धो के 1 कटोरी
बस इसमें भी सिर्फ पानी निकलेगा, थोड़ा सा डाल के इसको आप कुकर में चढ़ा दें। इसको ना थोड़ा सा पकाते, 5 मिनट पकाते, इसको बताते आप कितने देर तक पकाए। खोल चुका है ना, हम लेयर के चिकन का बना रहे हैं ना, तो इसमें हम 2 सीटी मार लेते हैं। अब ब्रॉयलर का होंगे तो मारने का जरूरत नहीं है, इसको 2 सीटी मार लेते। पानी को ना इधर बैठा दिए, थोड़ी देर पहले से ही बैठा दिए। चावल का पानी है ये? चावल का पानी, ये जो मसाला दिखाए थे ना आपको, सब डाल देंगे, सबको डाल देंगे। और इसमें थोड़ा सा ये पुदीना धनिया सब उसमें से निचा के रखे थे, इसको भी खुशबू आएंगे। और एक नींबू, दोनों को एक साथ डाल के फिर और निकालते हैं, उसको खोलने देंगे। लगा ना तुरंत सिटी को निकाल देंगे, हवा ना इसके अंदर नहीं रखेंगे, पूरा निकाल देंगे। देखिए यहाँ पे हमने इसको 2 सीटियाँ मार ली थी, उसके बाद भी हमें नहीं लग रहा है कि ये उतना पका है ठीक से, तो हम इसे 2 और सीटी मार लेंगे। टोटल हम 4 सीटियाँ मारेंगे ताकि ये हमारा चिकन गल जाए। लेयर चिकन है तो टाइम लगता है थोड़ा गलने में, इसीलिए अब हम इसे और 2 सीटी मार के पका लेंगे। पानी खोल चुका है, देखिए हमारा चावल भी ना, जब पानी चढ़ रहे थे चावल को भी 4 बार करके धो लिए थे, अच्छे से 4 बार धोने, फिर चावल का जो मार होता है ना वो निकल जाएंगे अच्छा, और आपका खिले खिले चावल निकलेंगे। ये चावल डाल दिया, डाल के एक बार बस मिला दोगे, और इसमें ना नमक हम थोड़ा सा और चाख के और थोड़े से नमक डाल देते, थोड़ा सा ज्यादा नमक डालोगे ना तभी बिरयानी अच्छा है। हमारे पास खड़ा नमक खत्म हो गए थे, नहीं तो बिरयानी में हमेशा खड़ा नमक ही डाला जाता है। चिकन हम इतने पका लिए, इतने ठीक ठीक देखिए रस है, और ये जो गरम मसाला थोड़ा सा है इसमें, और ये जो गरम मसाला है थोड़ा सा और डाल देंगे, इसमें चिकन रहता है डाल देते हैं। और देखिए ये चावल ना 80% पक गए, देखिए देखिए पक गए 80%। अपन कर देंगे, इसके ऊपर डाल देंगे, अब तेज पत्ता का कोई काम नहीं है, उसको डालने का जरूरत नहीं है। ऐसे आपको पूरा सजाते जाना है ऊपर 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 ऊपर, और तेज पत्ता और बड़े बड़े जो भी मतलब गर्म मसाले उसको निकाल ही दीजिएगा। ये निकाल देंगे, इसका तो कोई काम नहीं, जो अनुमान है मिल गया। इस तरीके से पूरा सजा देंगे इसको। देखिए ये बिरयानी का ये तेल है ना, घी और तेल वाला, इसमें डाल देंगे ऐसा। का रस थोड़ा सा डाल दोगे, फूट काला थोड़ा सा हो ही जाएंगे, और केवड़ा पानी है ना थोड़ा सा ही डालना है, 1.5 चम्मच और डाल के इसको तेज आंच, ए इसमें पानी डाल दो। ये देखिए ये बेदाने का जो पानी है ना चावल का, 2 कटोरी डाल दोगे, पानी कलर में हो जाएंगे तो इसलिए 2 कटोरी, छोटा सा 1 कटोरी का 2 कटोरी जांच करके इसको सीटी मारेंगे, तो फटाफट 2 सीटी मारना है। दूसरा सीटी मार चुका है, बंद कर देंगे,
पूरा गैस को निकाल देंगे। अगर आपका सिक्सटी का मुंह खुलता है तो मुंह खोल दीजिए। अपने चावल हिसाब से डालना है, इतना डालना है कि क्योंकि चावल तो 80% पकने के बाद भी फूलेगा ना, जब फूलेगा तो इतना डालना कि आपका कुकर का ढक्कन खोले। ये चावल पहले एक ऐसे निकाल लोगे, इसमें थोड़े से चावल को देखो, देखिए ऐसे अपने चावल को निकाल लेना है। मस्त केवड़े की खुशबू आ रही है, बिरयानी की तो आ ही रही है, इसको खोलने से केवड़े की अलग से और आ रही है थोड़ी। पहले चावल को ऐसे अच्छे से निकाल लेना आपने, फिर बाद में पूरा निकालना है, देर मत करना। देर करेंगे तो आपका चावल खराब हो जाएगा। पूरा ऊपर से चावल निकाल लो। ये होती है कुकर बिरयानी, सीखिए, हमारा वीडियो देखिए और सीखिए, सब्सक्राइब जरूर करिए प्लीज। सर नीचे डाल देते हैं। आपको दो अलग अलग बर्तन रखने हैं, याद रखना। चिकन चिपकता ही है, समझ रहे, लेयर का चिकन कैसे गला है। लेयर चिकन तो पता ही होगा ना, सबका जलता है थोड़ा सा, आपका भी जलेगा। मतलब नीचे से बिरयानी का मटन चिकन जो भी आप बनाए कुकर बिरयानी में, कुकर ऑब्वियसली पतला होता है नीचे से, साइड में एक साइड में चिकन को कर दिए, एक साइड में चावल को डाल दिए। देखिए कितना माशाल्लाह, कितना अच्छा हुआ चावल। देखिए चावल देखिए कैसे खिला खिला हुआ है, तुरंत उसको खोल दोगे ना तब होंगे, और 80% पकाओगे। देखो चावल देखो एक एक दिख रहा है, देखो जैसा रहता है ना। देखिए हमारा रायपुर जैसा कुकर बिरयानी सिंपल सी फटाफट बन जाता है। अब सब सामान बस रेडी कर लीजिए, फटाफट हाथ से ऐसे मका के ऐसे बना लीजिए, जैसे बनाई दिखाई आपको सब पूरा पूरा बराबर। और इसके साथ रायता भी रेसिपी बनाई, रायता है दाल का, दोनों का रेसिपी एक साथ बनाए। और कुकर बिरयानी आप हमारा चैनल देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।